सच में अब जूनियर एडवोकेट्स को मिलेगा 15,000 से लेकर के 20,000 रुपीज पर मंथ एज स्टाइपेंड? तो ये जो हमारा शॉर्ट वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या नया गाइडलाइन जारी किया है रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू लॉ इंटर्न्स एंड जूनियर एडवोकेट्स, आइए समझते हैं। तो बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के डायरेक्शन के कंप्लायंस में एक गाइडलाइन इशू किया है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी लॉ फर्म्स, सीनियर एडवोकेट्स और इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिशनर से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी जूनियर एडवोकेट्स या जो भी लॉ इंटर्न्स आपके अंडर आते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आप उन्हें कम से कम, अगर आप रूरल एरियाज में प्रैक्टिस करते हो, तो उन लॉ इंटर्न्स को, उन जूनियर एडवोकेट्स को एटलीस्ट 15,000 रुपीज पर मंथ एज स्टाइपेंड दो। और वहीं अगर आप अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस करते हो, तो आपके अंडर जो भी लॉ इंटर्न्स या जो भी जूनियर एडवोकेट्स प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो उन्हें आप एटलीस्ट 20,000 रुपीज पर मंथ एज स्टाइपेंड दो। अगेन, ये जो गाइडलाइन है, इट इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी, राइट? और ये जो गाइडलाइन है वो बाउंड नहीं है किसी भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर या किसी सीनियर एडवोकेट या लॉ फर्म्स पर, राइट? तो यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी जूनियर एडवोकेट को या किसी लॉ इंटर्न को कहीं से भी 15,000 से लेकर के 20,000 रुपीज पर मंथ एज स्टाइपेंड देने नहीं वाला है। तो बेसिकली अपना जो जिम्मेदारी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीनियर एडवोकेट्स, लॉ फर्म्स और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स के हवाले कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशूड गाइडलाइंस फॉर सीनियर एडवोकेट्स, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स एंड लॉ फर्म्स फॉर द पेमेंट ऑफ मिनिमम स्टाइपेंड टू जूनियर एडवोकेट्स विद ड्यू रिगार्ड टू वेरिंग इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ प्रोफेशन। तो बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट है, अब क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम समझते हैं कि जो भी एडवोकेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी लॉ फर्म्स हैं, उनका अलग अलग इकोनॉमिक रियलिटीज है, अलग अलग अमाउंट ऑफ इनकम है, तो अपने इनकम को ध्यान में रखते हुए वो स्टाइपेंड के अमाउंट को फिक्स करेंगे। अगर वो 15,000 से लेकर के 20,000 तक के अमाउंट को नहीं पे कर पा रहे हैं, तो वो इससे थोड़ा कम करें, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो सके वो हमारे जूनियर एडवोकेट्स, हमारे लॉ इंटर्न्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि वो डीमोटिवेटेड ना हो और लिटिगेशन को एज अ करियर परस्यू कर सके। द मिनिमम स्टाइपेंड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ जूनियर एडवोकेट्स। और ये जो आप स्टाइपेंड अमाउंट पे करोगे अपने जूनियर एडवोकेट्स को, लॉ इंटर्न्स को, जिस दिन से वो आपके चैंबर को ज्वाइन करते हैं, उस दिन से एटलीस्ट 3 years तक। नाउ टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट इज रिकमेंडेड दैट द स्टाइपेंड शुड बी पेड बाय अ बैंक ट्रांसफर और एनी अदर डॉक्यूमेंटेड एंड वेरिफिएबल मेथड। अब कल को लॉ इंटर्न्स या जूनियर एडवोकेट्स चैलेंज ना कर सके कि आपने उन्हें कोई भी स्टाइपेंड अमाउंट नहीं दिया है और नहीं देते हो, तो आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि आप वाया बैंक ट्रांसफर इस स्टाइपेंड अमाउंट को पे करो, राइट? और कल को अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। गाइडलाइंस आर नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी, अगेन दिस गाइडलाइन इज नॉट मैंडेटरी एंड इज नॉट बाउंडिंग इन नेचर, ये केवल एक रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, वो एक फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर इशू करें अपने जूनियर एडवोकेट्स को, लॉ इंटर्न्स को, जिसमें क्या होगा स्टाइपेंड का अमाउंट, ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, कब से कब तक वो आपके चैंबर में रह करके प्रैक्टिस किया और आपने उसे क्या क्या सिखाया,
इन सभी चीजों के बारे में एक डिटेलिंग हो कम से कम उस फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर में, और आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा अपने रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में, राइट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जल्दी बार काउंसिल एक कमिटी का गठन करेगी जो कि यह इंश्योर करेगा कि जो भी गाइडलाइंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया है क्या उन गाइडलाइंस का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर किसी जूनियर एडवोकेट को ऐसा लगता है कि उसके सीनियर एडवोकेट उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो उनकी कंप्लेंट भी कर सकता है स्टेट बार काउंसिल में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेलिंग। तो यहां पर एक चीज कंफर्म हो गया कि जो भी गाइडलाइन है अगेन वो मैंडेटरी नहीं है। तो किस हद तक ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, आपका क्या थॉट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी तरह से कोई पेमेंट नहीं करने जा रहा है स्टाइपेंड के तौर पे टू दी जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ इंजीनियर, ठीक है। थैंक यू।